बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। प्रॉक्समॉक्स के लेसन 4 के अंदर मैं आपको वेब इंटरफेस ओवरव्यू एंड यूजेज इन प्रॉक्समॉक्स 8.3 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम जाए कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने प्रॉक्समॉक्स सर्वर को एक्सेस करता हूँ। यहाँ आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और रियल एम ने यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर होती हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। लिनक्स पैम स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन और प्रॉक्समॉक्स वी ऑथेंटिकेशन सर्वर, हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं लिनक्स पे। इसके नीचे लैंग्वेजेस हैं, अगर आप लैंग्वेजेस चेंज करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आप जिस लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ। यहाँ मैं पासवर्ड लगाता हूँ जो मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान रखा था। अब यहाँ सबसे ऊपर जूम करके आपको दिखाता हूँ, सबसे ऊपर आपको ये इसका सर्वर का वर्जन वर्चुअल एनवायरनमेंट 8.3 यहाँ आपको वर्जन इसका अपीयर होगा। और सर्वर व्यू के नीचे आपको लेयर डिफरेंट लेयर अपीयर हो रही हैं, डाटा सेंटर, प्रॉक्समॉक्स और इसके अंदर ये डिफरेंट्स हैं। अगर आपने ओवरऑल सेटिंग करनी है तो आपने डाटा सेंटर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ आपको ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं। आप यहाँ से ओवरऑल अपने इस पर डाटा सेंटर में सेटिंग कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर अब राइट साइड पे यहाँ आते हैं, पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन, इसके साथ क्रिएट वीएम और क्रिएट कंटेनर, और यहाँ आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। माई सेटिंग, पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कलर थीम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लैंग्वेज और लॉग आउट। डॉक्यूमेंटेशन पर अगर क्लिक करते हैं तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, जिस टॉपिक को आप देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ आते हैं सबसे ऊपर सर्च पे, इसके नीचे समरी। समरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो हेल्थ स्टेटस शो कर रहा है, नोड आपके ऑनलाइन 1 है, ऑफलाइन 0, गेस्ट, रिसोर्सेज आपके CPU, मेमोरी, स्टोरेज कितने परसेंट यूज़ हो रही है यहाँ आपको शो कर रहा है। इसी तरह नोड्स, आपके नोड्स कितने हैं वो यहाँ आपको शो कर रहा है, उसका IP, CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज, अप टाइम और सब्सक्रिप्शन। नोड्स क्लस्टर, अगर आप क्लस्टरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रिएट क्लस्टर, और किसी क्लस्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन क्लस्टर करके आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। सेफ, अब सेफ क्या चीज़ है? सेफ इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट स्टोर एंड फाइल सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोवाइड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस, इसकी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ आपके सामने अपीयर हो रही हैं। स्टोरेज, अब जो आप स्टोरेज आपके साथ आपके सर्वर के साथ अटैच होंगी वो यहाँ आपको अपीयर हो जाएंगी। मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऐड से इसको ऐड कर सकते हैं। बैकअप, अगर आप यहाँ आते हैं तो अगर आपकी जिस तरह मेरी ये VM बनी हुई है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये डिफरेंट ऑप्शंस यानी कि स्केड्यूल मुझे शो हो रहे हैं, जिस स्केड्यूल को मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा उसके अकॉर्डिंगली फिर ये इसका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन, अगर आप लगाना चाहते हैं, रेप्लिकेशन नीड एटलीस्ट 2 नोड्स, अभी फिलहाल मेरा एक ही नोड है। परमिशंस आप लगा सकते हैं यूज़र्स पे, यूज़र यहां से आप ऐड कर सकते हैं। API टोकन्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, पूल्स, रोल्स, रियल MS, HA, हाई अवेलेबिलिटी, ग्रुप्स, फेंसिंग, SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, इसके अंदर जोन्स हैं, वी नेट्स है, ऑप्शन IPAM, वी नेट फायरवॉल, ACME फायरवॉल है, अगर आप फायरवॉल की सेटिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सिक्योरिटी ग्रुप, एलियस, IP सेट। मज़ीद इसके नीचे आते हैं तो मैट्रिक्स सर्वर, रिसोर्सेज मैपिंग, नोटिफिकेशन और सपोर्ट इसकी है। ये तो थी आप डेटा सेंटर लेवल पे अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो। अगर आप नोड लेवल की सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको जो भी आपका नोड होगा उसका नाम जो भी आपने रखा होगा वो यहाँ आपको अपीयर हो रहा होगा। अब मेरा जो क्योंकि मैंने प्रॉक्समॉक्स नाम रखा हुआ है तो प्रॉक्समॉक्स है, इसके नीचे इसकी अपनी सेटिंग होगी लेकिन डिफरेंट होगी, जो डाटा सेंटर की थी उससे डिफरेंट होगी। अब यहाँ सबसे ऊपर आप समरी देख सकते हैं, CPU यूजेज कितनी है, लोड उसकी कितनी है, रैम कितनी है आपकी, रैम यहाँ आपको अपीयर हो रही होगी, HD स्पेस। इसी तरह आपका CPU, आपका यहाँ CPU आपको अपीयर कर रहा है, उसके बाद कर्नल वर्जन आपको लिनक्स 6.8 शो कर रहा है, बूट मोड कौन सा है, EFI है, और मैनेजर वर्जन कौन सा है, PVE मैनेजर,
और रिपॉजिटरी स्टेटस क्या है, प्रॉक्समॉक्स वीवी अपडेट्स और नॉन प्रोडक्शन रेडी रिपॉजिटरी अनेबल। इसी तरह सीपीयू का ग्राफ है, सर्वर लोड का ग्राफ आपको शो कर रहा है। नोट्स आप रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। शेल जिस तरह सीएमडी लाइन है इसकी, यहाँ से आप कर सकते हैं यूज़। सिस्टम इसके अंदर नेटवर्क से आ जाते हैं। नेटवर्क के अंदर अगर आप किसी नेटवर्क की यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से उसका आईपी अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सर्टिफिकेट हैं यहाँ, आप अगर नया अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको व्यू करके आपको दिखा देता हूँ जो इसके कस्टम सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल हैं। इसी तरह इसके नीचे DNS है, DNS की सेटिंग है। अब DNS यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। होस्ट यहाँ आप नोड लेवल पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ मैं अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह ऑप्शंस हैं इसकी, टाइम जोन आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं अपने जोन के मुताबिक। जिस तरह अभी मेरा एशिया कराची मैंने सेट किया हुआ है। सिस्टम लॉग, अब ये सिस्टम लॉग यहाँ से आप देख सकते हैं लाइव मोड, ये आपको लाइव आपकी सिस्टम लॉग शो कर रहा है। अगर किसी किस्म का कोई एरर होगा तो आप उस एरर को देख के आप उसको टाइमली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप उसको सेलेक्ट टाइम स्पेन, अगर आप स्पेसिफिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आप वो भी सर्च कर सकते हैं। अपडेट साइज की, रिफ्रेश अपग्रेड, ये मैंने पहले ही आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ कि कैसे आप इसकी अपडेट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। रिपॉजिटरी है इसकी। फायरवॉल, फायरवॉल के अंदर मज़ीद ऑप्शंस, लॉग इसकी आप यहाँ शो कर रहा होगा। डिस्क हैं, जितनी भी आपकी डिस्क होंगी वो यहाँ आपको अपीयर होंगी। अभी जिस तरह मेरी SSD है एक 128 की और एक SATA मेरी हार्ड डिस्क है 2 TB की, ये यहाँ शो कर रहा है। LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, अब दो मैंने क्रिएट की हुई हैं। मज़ीद इसके अंदर आप देख सकते हैं LVM थिन डायरेक्टरी, ZFS सेफ और उसकी कन्फिगेशन है। मॉनिटर OSD सेफ FS पूल्स लॉग रेप्लिकेशंस, आगे चल के ये मैं मज़ीद इन पे भी वीडियो टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। टास्क हिस्ट्री और सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ नीचे आते हैं टास्क पे। टास्क पे आप देख सकते हैं जितने भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे यहाँ ये नीचे लॉग में शो करता रहेगा आपको। अगर किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसकी डिटेल शो कर देगा यहाँ मुझे। अगर कोई एरर होगा तो उस तरह उसके कलर चेंज हो जाएंगे। इसी तरह क्लस्टर लॉग है, वो भी आपको यहाँ शो करता रहेगा। अप्रॉक्समॉस के नीचे जो आपके नोड हैं VMs होंगी, आपकी VMs आ जाती हैं। VMs पे आप क्लिक करते हैं तो कंसोल यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर में अगर आप किसी किस्म की कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हार्डवेयर के नीचे अकाउंटेंट ऑप्शन, टास्क हिस्ट्री, मॉनिटर, बैकअप, अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसी तरह रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन के नीचे स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट यहाँ से आप टेक स्नैपशॉट ले लेंगे, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ टेक स्नैपशॉट। इसका फ़ायदा ये होता है स्नैपशॉट का कि अगर आपने किसी किस्म की कोई इसमें एक्सपेरिमेंट करना है तो आप स्नैपशॉट ले लें उसका और उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट करें। अगर तो सक्सेसफुल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है तो फिर आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। इसी तरह फायरवॉल है, फायरवॉल ऑप्शंस, एलियस, आईपी सेट, उसकी लॉग और परमिशन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो वो यहां से आप ऐड एंड परमिशन इसकी कर सकते हैं। ग्रुप लेवल की परमिशन, यूज़र लेवल की, API टोकन परमिशन। अब यहां अगर आप इस पे राइट क्लिक करते हैं अपनी VM पे तो यहां आपको ऑप्शन आ रही है स्टार्ट की, शट डाउन की, स्टॉप, रीबूट, क्लोन करना चाहते हैं तो क्लोन कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेम्पलेट और कंसोल। अब मेरी ये हार्ड डिस्क है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जो यहाँ समरी के नीचे VM डिस्क हैं, जो मेरी डिस्क मैंने क्रिएट की हैं इस हार्ड डिस्क पे सेलेक्ट की हुई हैं तो वो यहाँ आप मुझे अपीयर होंगी। इसी तरह कंटेनर वॉल्यूम्स हैं, परमिशंस हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ समरी पे तो ये मुझे इसका ग्राफ शक्ल में शो करेगा। इसी तरह लोकल प्रॉक्समॉक्स, बैकअप, ISO इमेज जो मैंने अपलोड किए हैं वो यहाँ हो गया। अगर आप खुद मज़ीद अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड URL, अगर URL के थ्रू आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेनर टेम्पलेट्स अगर आपने कुकी की होंगी वो यहाँ आपको शो होंगी। इसी तरह परमिशंस हैं, इस तरह लोकल LVM, इसकी समरी, VM डिस्क, कंटेनर वॉल्यूम्स और परमिशंस। यहाँ क्लिक करते हैं तो ये फुल साइज़ हो जाएगा।
अब यहाँ ऊपर हेल्प टैब है, अगर आप हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके सर्च कर सकते हैं इसकी हेल्प में। ये था प्रॉक्समॉक्स का एक इसके इंटरफेस का ओवरव्यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।